कॉन्ग्रेचुलेशन, फिल्म है लवरात्रि, जिसका ट्रेलर और जिसका गाना एक बड़ा धमाका हुआ है। पिक्चर को लेके काफी अच्छा खासा धमाका हो रहा है। ट्रेलर और गाना लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। इससे पहले हम आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है या आप लोग की पहली डेब्यू पिक्चर है, उसके पहले इतनी अच्छी पॉजिटिविटी हो रही है कि गाना पसंद आ रहा है एंड लोगों को ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है, तो क्या फीलिंग होती है एज एन एक्टर, एज एन डेब्यू डायरेक्टर? तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो पहली फिल्म तो बहुत स्पेशल होती है, खासकर कि जब आप डेब्यू कर रहे हो और आपके साथ जो आपके सबसे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं फिल्म के, आपके लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस, वो भी डेब्यू कर रहे हो, तो जब तीन अंधे एक साथ चल रहे होते हैं और रास्ता पार कर ही लेते हैं ये अच्छा था। तीन ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लोग हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। बट बस हमने यू नो एक ऑब्वियसली बहुत स्पेशल फीलिंग है फर्स्ट फिल्म की, और खास करके ये ऐसी फिल्म है जो कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बोल रहे मुहावरा था मुहावरे था मुहावरा हाँ मुहावरा हाँ सॉरी हाँ आपको लगा हाँ नहीं नहीं सॉरी प्लीज कंटिन्यू। मैं माफी चाहता हूँ, हमारी एक्ट्रेस जो है अफगानिस्तान से, उनकी हिंदी अभी सीख रहे हम सिखा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर की जो प्यार एक न्यू कमर फिल्म को मिलता है, यू नो वी वेरी हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स एंड फीलिंग बहुत स्पेशल है एंड आई थिंक प्रीमियर हमारे एक्टर साहब टेक ओवर करेंगे। लेकिन एक चीज आपसे पूछेंगे, एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, एक्टर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, मेरे और अभिराज से बहुत अच्छी प्लानिंग है। हाँ, हमेशा हम एक्टर में उतना नहीं देखते, अरे सर है ये, लेकिन यहाँ सर आई थिंक यहाँ पे सब फ्रेंड है। हाँ जी, तो इनसे बात कर ले पहले। सर आपको जो समझ में आया इनसे पहले पूछेंगे, मैंने सुना नहीं। हाँ, इन्होंने बोला कि इनकी और अभिराज सर की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। खुशकिस्मत हो कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है एंड टचवुड हमारे गाने काफी अच्छे, गानों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा हुआ था, ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हम प्रमोशंस के लिए सिटी टूर्स कर रहे थे तो सब जगह लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो अभी फ़िलहाल ये फीलिंग है कि सब कुछ तो अच्छा है, बट वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग अभी भी है, वो नर्वसनेस अंदर के 5th अक्टूबर अभी 100% मार्क आने वाले हैं। थैंक यू। तो वो बहुत पास है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या फील क्या करूँ, खुश हूँ कि नर्वस हूँ, तो वेट करें 5th अक्टूबर। ऐसा पहली बार होता है। जी जी, आप बताइए, सबसे पहले तो गणपति का कैसा था आपका कल का दिन? हमने देखा सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया सर, अच्छा है, गणपति बापा आए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हमें और सब लोग हमारे घर पे आए तो अच्छा लगा। मैं भी आई थी। जी, वरीना भी आई थी तो सबने वरीना डोसा भी खाया। जी, मैंने मोदक भी खाए, डोसा भी खाया। अच्छा, अभी आप कंटिन्यू नहीं, आप कंटिन्यू। अच्छा लगा आपको मोदक? मोदक जी, मावा से बना हुआ था, बहुत, मैंने 5-6 खा ली। 5-6 एक्चुअली गोलगप्पे के स्टॉल पे खड़ी हुई थी जब मैं इसको मेरा गोलगप्पे खा रही थी। और उसे मावा बना दिया? जी जी, नहीं नहीं, उसे मावा नहीं बनाया, मैंने गोलगप्पे खाए हैं जो कि पानी पूरी कहते हैं, पानी पूरी, डोसा, मोदक। ये भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुकरी शो में हूँ।
ओके ओके ठीक है जी. तो आप बताइए, बहुत कुछ खिलाएंगे और भी हम खिलाएंगे हम जी. आप बताइए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही, कैसे देखते हैं आप? जी एक्साइटेड हूँ, एक फिल्म आ रही है, कुछ दिन रह गए हैं फिल्म के बाहर आने के लिए, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब लोग गाने पसंद कर रहे हैं. पहले लोग बोलते थे कौन है ये लड़का, अभी कह रहे हैं छोगाड़ा बॉय हो गया हूँ मैं. तो पॉपुलर ये यू नो गाना हो गया हमारे. रंगदारी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तेरा हुआ, सब गाने एक से बढ़कर एक हैं, तो अच्छा प्यार मिल रहा है. एक्साइटेड हूँ, पॉजिटिव है काफ़ी एनवायरनमेंट, यू नो सब यूनिट्स वर्क किए हैं, ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर एक से हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे जी. आई विश कि हम 5 अक्टूबर के बाद सक्सेस पार्टी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग के कैरेक्टर के बारे में. आई नो कि आप एक गुरु बने हुए हैं जो डांस सिखाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैरेक्टर होगा जी. मैं एक्चुअली एक अभी यंग लड़का हूँ जो कॉलेज से अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, वो अभी छोटे बच्चों को गरबा सिखाता है. उसकी इंस्टीट्यूशन खोलने का ड्रीम है कि मैं गरबा इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ. उसको छोड़ के उसको ज़्यादा कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है. तो उसका एक छोटा सी चीज़ है, जैसे कि पिताजी उसे कहते हैं कि आप काम पे ध्यान दो, कुछ करो, वो बस यही कहता था पिताजी को कि एक तितली जितना भी उड़ रहे वो कभी बाजी बन सकती. करेक्ट. तो वैसे ही क्या जोक था? जोक था. ओके जी. तो इसकी वजह से वैसा उसका एटीट्यूड है, वैसा उसका कैरेक्टर है. और कैसे उसको एक लड़की मिलती है जिसको प्यार होता है, और वो कितने अलग हैं एक दूसरे से, और कैसे वो उस लड़की के चक्कर में सीरियस होता है लाइफ के बारे में, दुनिया एक्सप्लोर करता है, लड़के तक पहुंच जाता है, और थोड़ी बहुत मार भी खाता है जो जी. हमने ट्रेलर देखा. तो बताइए ये लड़की है जिससे मुलाकात हुई जी, तो यही है ये कैसी लड़की है, ये आप इसके बाद इन लड़की के बारे में जानना चाहेंगे? लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? लड़की कैरेक्टर बहुत एक ही चीज़ है जी. नहीं नहीं, एक चीज़ कैसे हो सकती है, कैरेक्टर डिफरेंट. देखिए वरीना अपनी रियल लाइफ में मिशेल से बिल्कुल उल्टी है. उल्टा पसंद मतलब मिशेल बहुत स्वीट है, बहुत पढ़ी लिखी है, अंडरस्टैंडिंग है, और ब्यूटीफुल है. हाँ ब्यूटीफुल है, और काफ़ी मतलब अच्छी डांसर हैं. हाँ. तो वो सब चीज़ें मिशेल के अंदर है, वरीना उसकी एक्टिंग करती है. बताइए कि आपके थोड़े से कैरेक्टर के बारे में, जो लड़का आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है आपके चक्कर में, वो मार भी खाता है, सारी चोट भी आती है, क्या सवाल है? चलो हाँ, जो मेरा कैरेक्टर है एक NRI गुजराती लड़की है जो कि बड़ौदा आती है. फेस्टिवल का टाइम होता है तो फैमिली के साथ वो अपने फैमिली से और फेस्टिवल से, रूट से बहुत प्यार करती है. तो गरबा के दौरान सुश्रुत से मिलती है और जी सुसु, और इनके बीच प्यार हो जाता है और उनकी ही प्रेम कहानी है आगे जी. चलिए कैप्टन, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल शूटिंग के दौरान का कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऐसा ही एनवायरनमेंट था जैसे कि जो आप देख रहे हो, जो हंसी मजाक हो रहा है, बस इसी के साथ थोड़ा सा हमने सीरियसनेस डाला और इस फिल्म को बनाया है जी. बहुत मेहनत की हमने, बट हमने ऑलवेज मेक श्योर किया कि जो सेट पे एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल ऐसा ही लाइट हार्टेड रहे, कि हमेशा मतलब हर एक के चेहरे पे स्माइल रहे और हैप्पीली काम करें, और वो जो पॉजिटिव एनर्जीज जो सब लेके आए थे उसी को हमने फिल्म में डाला होगा. एंड जब ये आप फिल्म स्टार्ट करने जा रहे थे, क्योंकि सलमान खान प्रोडक्शन ये फिल्म है, तो क्या फीडबैक वहाँ से मिला आपको? आपसे भी आप सभी से जानना चाहेंगे, लेकिन पहले आपसे कि क्या फीडबैक वहाँ से मिला? उन्होंने कुछ अपना इनपुट आउटपुट दिया कि फिल्म ऐसे स्टार्ट करें, ऐसा क्या कुछ वहाँ से? सी स्क्रिप्ट सुनने के बाद सलमान सर का बस हमें यू नो ये ही उन्होंने सजेशन दिया था कि एक दिल से पिक्चर बनाइए, एक क्लीन फिल्म बनाइए, क्योंकि SKF जाना जाता है कि क्लीन फैमिली एंटरटेनर्स के लिए. और यू नो हमने वही कोशिश की है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिखाया है कि हम उस पर यू नो मेक श्योर करें कि हम उनको यू नो डिसअपॉइंट ना करें. एंड उन्होंने फिल्म देखी है, उन्हें बहुत पसंद आई है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं एंड उनसे हमें कॉन्फिडेंस मिला है. आप बताइए वरीना जी, क्या सलमान खान जी की तरफ से क्या टिप्स है, क्योंकि जब आपको सेलेक्ट किया गया था तो हमने देखा था उन्होंने ऐसा वेल वो जो ट्वीट है, ऑब्वियसली टीम को पता थी कि सेकंड ट्वीट में, मुझे भी पता थी कि सेकंड ट्वीट में मेरी पिक्चर अपलोड होने वाली है. तो वो 2 घंटे मैं काफ़ी नर्वस थी, वेट कर रही थी कि 2 घंटे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. और फिल्म के बारे में कहूँ तो सलमान सर
हमेशा यू नो हम जब भी डाउन होते हैं तो वो सपोर्ट के लिए वो एक पॉजिटिव उनसे एनर्जी हम लेते हैं. एंड सलमान सर ने एक चीज़ जो बोली थी वो थी कि ये जो मूवी है डेब्यू मूवी यू गाइज वर्क हार्ड पुट योर हार्ट सोल एंड माइंड इनटू इट क्योंकि ये ही हम तीनों का करियर बनाएगा. तो हमने वही किया और वो हमें ट्रेलर एंड गाने में दिख रहा है बहुत ही लोगों को पसंद है. आयुष जी आप बताइए जी टिप्स लेते हैं आप उनसे कुछ एक्टिंग की या जी भी क्या जी टिप्स? कुछ भी अगर कोई मुसीबत लगती है कुछ लगता है क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में तो हम उनको हमेशा फ़ोन करते थे और वो हमेशा अवेलेबल थे हमारे लिए. तो उन्होंने काफ़ी सारी टिप्स दी काफ़ी सारी एडवाइसेस दी बहुत सारी दी. 4 साल से सीख रहा हूँ उनके साथ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. बट उन्होंने इस फिल्म के लिए पर्टिकुलरली कहा था ये फिल्म एक स्वीट फिल्म है लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए उसके लिए तुम्हें ऑफ़ कैमरा मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि तुम ऑन कैमरा उसको लोगों को हंसा सको और उनको प्यार में डाल सको. तो वही चीज़ हमने फॉलो की जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा हमारे सेट का एनवायरनमेंट काफ़ी यंग था काफ़ी एक्टिव थे हम लोग काफ़ी हंसी मजाक चलता था. उसी के बीच में शूटिंग कब हो गई कब ये फिल्म अभी रिलीज पे खड़ी होगी पता नहीं चला. जी ऐसा ही होता है सलमान खान की फैमिली में भी ऐसा ही होता है जैसे कि कल गणपति हमने देखा कब आए कब कुछ विसर्जन होगी. एक चीज़ जो आपके बेटे हैं जब आपका गाना बजता है टीवी पे जब मुझे पता नहीं अभी उनको कितनी समझ है लेकिन जब वो आपको टीवी पर देखते हैं तो क्या फीलिंग होती है उनकी या कुछ कहते हैं कि पापा टीवी ऐसा कुछ आप बताइए. वो जब भी मुझे टीवी पे देखते हैं वो पहचान गए हैं कि मैं एक एक्टर बन रहा हूँ तो टीवी पे देखते हैं तो कहते हैं पापा. अभी उनको छोगाड़ा समझ में आ गया तो कहते हैं कि पापा प्ले अ सॉन्ग. हाँ जी तो उनको हर जब भी गाड़ी में बैठते हैं उनको मेरा गाना सुनना है बार बार थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश कर रहा है अभी. अच्छा है उसको एक्साइटेड रहता है अभी उसको समझ में आ रहा है कि पापा कुछ तो करते हैं क्या टीवी से जी टीवी से रिलेटेड कुछ करते हैं जी. चलिए क्योंकि ये अफगानिस्तान की 5th October को आ रहे तो आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के लैंग्वेज में इसे 5th October को लवरात्रि आ रही तो इसे कैसे कहेंगे आप या हम सभी को जरा सिखाइए. क्या हुआ क्या हुआ मैंने कुछ नहीं बोला हमने कुछ नहीं बोला. दिस इज फैब ये मैंने इसको नहीं सिखाया जो इसने भी बोला है. ओके नो प्रॉब्लम चलेगा. हाँ तो मेरी भी दरी जो है उतनी अच्छी नहीं है बट मैं बोलूँगी हमें हमारी हिंदी भी अच्छी नहीं होती अच्छी बात करते हैं. हाँ टूटी फूटी ही बात करेंगे जी. लवरात्रि फिल्म मौकास 5 October रिलीज में शे एंड अगर कसाई के अफगानिस्तान हस्तान निबिनान एंड प्लीज सपोर्ट. वाओ ग्रेट. हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं नहीं कुछ नहीं मैं बस ये कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि आपने हमारे गानों को इतना प्यार दिया हमारी ट्रेलर को इतना प्यार दिया. आज हम जहाँ भी हैं आप लोगों की वजह से हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए. और 5 October को फिल्म रिलीज़ हो रही है बहुत अच्छी फिल्म है एंटरटेनिंग फिल्म है जैसे आप सलमान भाई आपको एंटरटेन करते आ रहे हैं वैसे हम भी एंटरटेन कर रहे हैं. इतने सालों से आपने उनको प्यार दिया है थोड़ा प्यार हमें भी दे दो प्लीज़. हम तीनों के करियर का सवाल है और हम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है आपको स्क्रीन पे जाएंगे तो पक्का आपको मज़ा आएगा जी. अभिराज जी 5 October कितना बड़ा दिन है आपके लिए? 5 October मेरे लिए आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और हम एक छोटा सा तोहफा लेके आ रहे हैं आपके लिए लवरात्रि. और प्लीज़ जाइए अपनी सारी फैमिली के साथ और ये फिल्म देखिए एंड आई एम श्योर आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी एंड हमें और मौका भी मिलेगा आप लोगों के लिए और ऐसी अच्छी फिल्में बनाने का.